प्राइम डे में हर साल कुछ ना कुछ नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च होते हैं और इस बार भी काफी सारे प्रोडक्ट लॉन्च हुए और इसी बीच नॉइज ने अपना एक और नया ईयरबड्स लॉन्च किया जिसका नाम है ईयरबड्स प्लस। यार जो ईयरबड्स हैं ईयरबड्स का अपग्रेडेड वर्जन है जो कि पिछले साल लॉन्च हुए थे और वो ईयरबड्स काफी ज्यादा सही थे, मुझे पर्सनली बहुत पसंद आए थे। अब ये वाले जो ईयरबड्स है कितने इंपैक्टफुल है जानेंगे वीडियो में आगे, बट रिक्वेस्ट करूंगा देखो वीडियो का एंड तक देखना, अच्छा लग जाए ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा ताकि ये जो प्यार है ना हमारे बीच आगे भी बना रहे और हमारे आने वाले वीडियोस की अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहे। तो फटाफट से बॉक्स में तो डालते हैं हम लोग। यहाँ पर सबसे पहले तो आपको ब्रांडिंग वगैरह देखने को मिल जाती है नॉइस की ईयरबड्स प्लस का, कि ये मॉडल है। पीछे देखोगे तो यहाँ पे की हाइलाइट्स वगैरह थोड़े बहुत आपको देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहले आपको मिल जाती है एक मैनुअल जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, एक कार्ड मिल जाएगा आपको वही वारंटी वाला जिसको आप QR कोड स्कैन करके रजिस्टर कर सकते हैं। तीसरा आपको हमें पेयरिंग गाइड देखने को मिल जाती है। एक नई चीज उन्होंने ऐड करी ना, इन्होंने स्टिकर्स ऐड कर दिया भाई, बहुत सारे स्टिकर ऐड करे बोर्ड को कॉम्पिटिशन देने के लिए। बोर्ड हमेशा एक स्टिकर ऐड करता है पर उन्होंने काफी सारे दे रखे हैं। इसके अलावा एक चार्जिंग केबल मिल जाती है। चार्जिंग केबल की इंटरेस्टिंग बात यह कि टाइप सी में है, लेंथ अच्छी मिल जाती है और दूसरा व्हाइट कलर में, तो वो कॉम्बिनेशन को मेंटेन करते हुए अच्छी चीज उन्होंने दी है। इसके अलावा एक्स्ट्रा सिलिकॉन के ईयरटेस मिल जाएंगे लार्ज मीडियम स्मॉल साइज के, तो अपने ईयर टिप्स के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो सीधे बात करते हैं मेन डिवाइस के बारे में। तो फर्स्ट लुक की बात करूं बहुत ज्यादा प्रीमियम ये लगे मुझे, मतलब लुक एंड फील काफी ज्यादा अच्छा लगता है डिवाइस का। कॉम्पैक्ट केस है, अगर आप कैरी वगैरह करेंगे तो इसको दिक्कत भी आएगी नहीं, वेट भी ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलता है। एक चीज बताना चाहूंगा कि ग्लॉसी फिनिश से दिखता अच्छा है, मतलब अट्रैक्टिव लगता है, बट यहाँ पे ना स्क्रैचेस बहुत इजीली क्रैच कर लेते, तो वो थोड़ा सा मुझे यहाँ पे इशू लगा। मैं हमेशा इसलिए मैट वाले प्रीफर करता हूँ। बाकी अगर फिजिकल ओवरव्यू की बात करूँ तो यहाँ पे पीछे की तरफ आपको जो बैटरी इंडिकेशन देखने को मिलता है, नीचे यहाँ पे टाइप सी का पोर्ट है और एक डेडिकेटेड आपको जो है यहाँ पे रिसेट बटन दे रखा है। अब रिसेट बटन का यूज क्या है, काफी टाइम ऐसा होता है ना कि आप लोग एक ही ईयरबड्स में से आवाज आ रही है दूसरे ईयरबड्स में आवाज नहीं आ रही, तो यहाँ पर आपको डेडिकेटेड बटन दे रखा है। अब ईयरबड्स को आप केस में डालो और डालने के बाद जो है आप रिसेट बटन को दबाओगे तो आपका जो डिवाइस है वो रिसेट हो जाएगा और दोनों ही ईयरबड्स में फिर आपको आवाज जो आने लगेगी। अब डिवाइस के ईयरबड्स पर अगर नजर डालोगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे जो फिटिंग वगैरह वो काफी अच्छी आपको देखने को मिलती है। और जो बेहतरीन पार्ट इस डिवाइस का मुझे क्या लगा, इसके लुक्स बहुत ही अमेजिंग है, मतलब वो एप्पल एयरपोर्ट्स प्रो वाली फीलिंग आपको कंप्लीटली देते हैं। और यहाँ पर उन्होंने बीच में जो है ना वो ब्लैक वाला जो पोर्शन दे रखा है ना उसमें आपको लाइट भी देखने को मिलती है, तो लुक के मामले में तो बहुत ज्यादा अमेजिंग है। और फिटिंग की अगर मैं बात करूँ तो थोड़े से मुझे फिटिंग में दिक्कत लगी, अगर आप जंपिंग वगैरह करेंगे ना तो ये थोड़े से कान से गिर रहे थे, बाकी अगर नॉर्मल आप वेयर कर रहे हैं तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। म्यूजिक वगैरह देख रहे हैं, मूवी वगैरह देख रहे हैं, तो वहाँ पे ऐसा मुझे फिटिंग में कोई इशू लगा नहीं। वैसे डिवाइस की स्पेक्स पर नजर डालेंगे ना यहाँ पे, तो आपको ब्लूटूथ का जो वर्जन है वो 5.0 देखने को मिलता है, जो कि आई गेस अब अपग्रेड हो जाना चाहिए, 5.2 5.1 भी आजकल आने लगे हैं, बट कनेक्टिविटी में ऐसा कोई भी दिक्कत आपको देखने को मिलेगी नहीं। 10 मीटर की रेंज में काफी अच्छे तरीके से वर्क कर जाते हैं और यहाँ पे आपको हाइपर सिंक टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है। तो ईयरबड्स अगर आप एक बार कनेक्ट कर चुके हो ना आपके फोन के डिवाइस और अगर ब्लूटूथ आपका ऑन है, तो जैसे ही आप केस को खोलोगे और ईयरबड्स को निकालोगे तो आपका जो डिवाइस है बहुत ही ज्यादा फास्ट जो है कनेक्ट हो जाता है। आईपीएक्स रेटिंग की बात करूँ डिवाइस में, तो आपको आईपीएक्स 5 रेटिंग यहाँ पे मिलती है डिवाइस में। और डेफिनेटली अगर आप जिमिंग के टाइम में पहन रहे हैं, रनिंग वगैरह पहन रहे हैं या नॉर्मल शावर वगैरह में ही पहन रहे हैं, तो ऐसी कोई भी दिक्कत आपको देखने को मिलेगी नहीं। बट हाँ, ज्यादा आप इसको पानी में जो है ले जाने की कोशिश मत करना, तो फिर खराब होने के चांसेस बन सकते हैं। अब अगर डिवाइस में बैटरी परफॉर्मेंस को लेकर बात की जाए तो यहाँ पे 350 mAh की बैटरी लगी और कंपनी का ऐसा कहना है कि ये 20 hours का प्ले परफॉर्मेंस आपको दे देते विद चार्जिंग केस। अगर सिंगल ईयरबड्स को आप यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे 4 hours तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं सिंगल चार्ज में आप परफॉर्मेंस को एट 70% ऑफ वॉल्यूम पे। वहीं पर अच्छी बात ये है कि आपको यहाँ पे टाइप सी पोर्ट देखने को मिलता है, फास्ट चार्जिंग आपको देखने को मिलती है, 10 watt तक का चार्जर आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने इंस्टा चार्ज टेक्नोलॉजी का यहाँ पे यूज किया, तो अगर आप 8 मिनट ईयरबड्स को चार्ज करेंगे तो आप 80 मिनट्स तक प्ले परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं डिवाइस से एट 70% ऑफ वॉल्यूम। तो परफॉर्मेंस काफी अच्छा आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे बैटरी के मामले में। बट अगर बात आती है डिवाइस के ड्राइवर्स को लेकर और साउंड क्वालिटी के बारे में लेकर, तो यहाँ पे 6 mm के ड्राइवर्स देखने को मिलते हैं और साउंड क्वालिटी परफॉर्मेंस अगर नजर डालोगे ना आप यहाँ पे, तो आपको जो क्वालिटी है वो काफी डिसेंट देखने को मिलती है। बहुत ज्यादा एनहांस और बहुत ज्यादा मुझे इंप्रेस नहीं करी पर्सनली ये, बट हाँ बैलेंस साउंड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ट्रेबल्स भी काफी अच्छे हैं, क्लीन है, आपको सभी चीजें काफी अच्छे से सुनाई दे जाती है। बेस का मैं कहना चाहूंगा कि थोड़ा और ज्यादा होना चाहिए, मुझे पर्सनली जो है बेस इसका कम लगा। अगर आप इसको सुन रहे हैं तो काफी लोग हैं जो बेस कम पसंद करते हैं तो उनके लिए ईयरबड्स काफी अच्छा है, बट जो बहुत ज्यादा बेस का पसंद करते हैं ईयरबड्स वगैरह में, तो उनके लिए कहीं ना कहीं फिर डिवाइस उतना इंपैक्टफुल नहीं लगेगा। बाकी लाउडनेस वगैरह भी काफी ऑप्टिमाइज्ड है, मतलब 100% में भी सुनोगे तो डिस्टॉर्शन वगैरह कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलता। तो साउंड क्वालिटी में कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं एवरेज ये परफॉर्म कर जाते हैं। बट बात करते हैं इस डिवाइस से कॉल क्वालिटी परफॉर्मेंस को लेकर, तो वहां पर ये डिवाइस बहुत ज्यादा अच्छे परफॉर्म कर जाते हैं। कॉलिंग के हिसाब से मैं डेफिनेटली कहूंगा कि आप इसको यूज कर सकते हैं, अगर आप इंडोर में भी यूज कर रहे हैं, आउटडोर में भी यूज कर रहे हैं। वैसे इसमें ईएनएक्स टेक्नोलॉजी या फिर ANC वगैरह कुछ भी यहाँ पे यूज नहीं करा, बट स्टिल इसका जो माइक्रोफोन है वो काफी अच्छे हैं और मैंने यहाँ पे प्रॉपर आपको टेस्ट भी करके दिखाया है कि किस तरीके से जो परफॉर्म करेंगे, तो वो एक बार नजर डाल लो। तो गाइस जब आप सुन रहे हैं वो ईयरबड्स से रिकॉर्ड हो रही है, ताकि अंदाजा हो सके कि जब आप इन ईयरबड्स को यूज कर रहे होंगे कॉलिंग वगैरह के टाइम पे या गेमिंग के अंदर इनका यूज कर रहे होंगे, तो कुछ इस तरह की परफॉर्मेंस जो आपको देखने को मिलती है। गेमिंग की अगर बात करूँ तो अगर आप कैजुअल गेमिंग करते हैं तो डेफिनेटली इन ईयरबड्स को आप यूज कर सकते हैं, बट अगर आप हेवी गेमर है जहाँ पे आप BGMI या कॉल ऑफ ड्यूटी गेम खेलते हैं, तो वहाँ पे इन ईयरबड्स का परफॉर्मेंस उतना अच्छा मुझे लगा नहीं। लेटेंसी वगैरह की इशू iOS में कहीं भी देखने को नहीं मुझे मिली, बट ये है कि जो डिटेलिंग्स है वो इतनी शार्प आपको देखने को मिलेगी नहीं, तो वहाँ कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस जो है आपके लिए खराब हो सकता है। बट हाँ, आप लोगों ने टेस्ट किया है तो एक बार नजर डाल लो।
अब फाइनली अगर डिवाइस को कंक्लूड करूँ तो मैं यहाँ पे 2000 रुपये के प्राइस पॉइंट पे ये ईयरबड्स लॉन्च किए हैं प्राइम डेज में। इतना ज़्यादा मुझे इंपैक्टफुल ये लगा नहीं, मतलब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें इन्होंने ऐड करी नहीं ईयरबड्स में, बट ये है कि एक आपको अच्छा लुक, अच्छा डिज़ाइन आपको देखने को मिलता है, एक प्रीमियम बेल्ट आपको देखने को मिल जाती है। और 2000 रुपये के प्राइस पॉइंट पर अगर आप स्टेम डिज़ाइन वाले ईयरबड्स देख रहे हैं और जहाँ आप बेस को ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देते हैं, तो इन ईयरबड्स को आप चेकआउट कर सकते हैं, इनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ज़्यादा तो बस ये कहूँगा, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है ना तो लाइक जरूर मारना, दोस्तों का शेयर भी कर दियो और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको नॉइस बड्स एयर अच्छे लगे कि नॉइस बड्स एयर प्लस। तो फिलहाल के लिए सनआउट करेंगे, जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड रहेगा इंदौर एक्सप्लोरर के साथ।